नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस टॉपर्स टॉक सीरीज में। आज हम लोग जुड़ने वाले हैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट के एक टॉपर से। यूं समझ लो कि आज वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें बताएंगे वो बीएचयू के स्टूडेंट हैं, तो भाई ग्राउंडेड चीज़ें बताएंगे, चाहे एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो, चाहे आपको आगे चल के रिसर्च करना हो, चाहे यूजी में आपके फिलॉसफी सब्जेक्ट्स हो। तो और जो बच्चे फिलॉसफी से कोई संबंध नहीं रखते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट्स है जो कि लिविंग लाइफ को बताता है। तो फाइनली मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जब इतने नॉलेजेबल पर्सन है तो मैं क्यों इससे फिलॉसफी झाड़ूं, उन्हीं से जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी, चाहूँगा कि छोटा सा इंट्रो दीजिएगा बच्चों को। जी, मेरा नाम राजीव लोचन त्रिपाठी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से ही किया है फिलॉसफी ऑनर्स में, और उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फिलॉसफी का, जिसमें मैंने 6th रैंक पाई, और उसके बाद मैं यहीं पे मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फिलॉसफी में। समझ लीजिए 6th रैंक है जनरल कैटेगरी से, यानी ये 6th जनरल कैटेगरी से रैंक है, तो अपने आप में। खैर, मैं राजीव जी को यूजी में भी जानता हूँ, तो ये उस समय भी इनकी जो फिलॉसफी ऑनर्स के सब्जेक्ट्स थे, स्पेशलाइजेशन था, वो बहुत अच्छा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस इंटरव्यू को हम लोग एज अ टॉपर स्टॉक में पहले फिलॉसफी की बातें कर लें या पहले कोर्स की बातें कर लें? पहले फिलॉसफी की ही बातें कर लेते हैं, क्योंकि जो कोर्स है वो आप अगर पहले फिलॉसफी के बारे में नहीं जानेंगे तो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो कैसे हो पाएगा। जब आप सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे, उसका बेस क्या होता है, उसका रूट क्या होता है, तो आप जो सिलेबस है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे, वो भी आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देखिए, फिलॉसफी के स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, पहले फिलॉसफी की बात कर लो फिर बाकी बातें बाद में कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजीव जी, फिर भी आपका थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे, यूजी का कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आपका बीएचयू में? यूजी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे टीचर्स ही आपको नॉलेज अच्छे से देंगे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो फिलॉसफी में मास्टर्स होंगे, जो कि आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि येस दे आर टीचिंग यू वेल। तो आपको हर टीचर से एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब इन्फॉर्मेशन, जब आप यहाँ पे बैचलर्स करने आएँ, मतलब आप जहाँ से भी बैचलर्स कर रहे हैं फिलॉसफी में, तो फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट हो जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसमें प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। और ज़रूरी ये भी है कि जब टीचर कुछ सिखा रहा है आपको तो आप एकदम ध्यान से लिसन करें उसको। और स्कूल तक ये होता है कि हम लोग टीचर्स पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में जैसे ही आते हैं तो आपको टीचर्स के साथ साथ आपको बुक्स में भी जाना पड़ेगा, और जो बुक्स बोल रहे हैं उसको आपको नेचर में भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब जो बुक्स बता रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है, वो चारों तरफ है। फिलॉसफी एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ ही है, तो जो बुक्स में लिखा है वो केवल थ्योरी नहीं है, वो आपको अपनी जीवन ही फिलॉसफी है एक तरीके से। जो आप बुक में पढ़ते हैं वो आपको चारों तरफ दिखेगा, तो जब आपको चारों तरफ दिखेगा तो आप उससे और कुछ सीख सकते हैं और आप अपने पर्सनालिटी में कुछ निखार ला सकते हैं। देखिए, जो ओवरऑल मैं आपको कंक्लूजन देना चाहूँगा वो यूजी का यही है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट स्टडी के लिए होना पड़ेगा। Yes, exactly. ना कि बुक पे डिपेंडेंट, ना कि प्रोफेसर पे डिपेंडेंट, ठीक है। और बाकी जो बात रही नेचर की, वो आप बस फिलॉसफी में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप नेचुरली फील करते हो, अपने सराउंडिंग से जोड़ते हो, तो वो जो लर्निंग मिलती है वो एक्चुअली दिमाग में एकदम अंदर तक जाता है, और फिर जो नॉलेज बाहर आता है, लोगों से बात करने में जो निकल के आता है, वो कमाल का होता है। अच्छा, फाइनली आप एंट्रेंस क्रैक करा, 6th रैंक आया आपका, कैसे करेक्ट कर लिया, कैसे 6th रैंक आ गया आपका, क्या कर दिया ऐसा आपने? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी रैंक केवल एक बाय प्रोडक्ट होता है आपकी मेहनत का। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी रैंक से या तो किसी भी अच्छे मार्क्स से, क्योंकि मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट था तो मेरा इंटरेस्ट ही मुझे पुश किया कि और मैं पढ़ूँ, सिलेबस के बारे में जानूँ। तो मेरी रैंक जो है मेरे केवल उस विषय में इंटरेस्ट और रुचि के ही वजह से आई, क्योंकि मैं एक भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ता था, मैं एक भी टॉपिक में एकदम रम जाता था, एक एक टॉपिक में। मतलब जैसे इंडियन फिलॉसफी है तो उसको उससे मैं रिलेट कर जाता था, वेस्टर्न फिलॉसफी में है उससे रिलेट कर जाता था। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशन विद द सब्जेक्ट। तो ऐसा लगे जब आप पढ़ रहे हैं उस किताब को तो आपको ऐसा लगे कि ही इज़ योर फ्रेंड, वो आपका साथी है, वो आपका मित्र है, आपको ऐसा लगने लगे, आपको लगने लगे कि वो किताब आपसे बात कर रहा है, आपको ऐसा लगने लगे, तब आप
तब आप अच्छी रैंक डेफिनेटली लाएंगे। लेकिन केवल अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे शुरुआत से ही, बिना सिलेबस पे ध्यान दिए, तो आपका रैंक अच्छा आने की उम्मीद है। बट अगर आप पहले सिलेबस को देखेंगे और बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। देखिए, बातों से ही आपको ये पता चल चुका होगा कि फिलॉसफी के लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले तो फिलॉसफी मतलब आपको लविंग सब्जेक्ट्स होना पड़ेगा, यानी बहुत जरूरी है। अभी देख लो, अगर एंट्रेंस में रैंक लाया है तो वो पढ़ाई से नहीं, नाक दरेड़ के नहीं, रट्टा मार के नहीं, बाय द लव, लव लव विथ बुक्स, लव विथ नॉलेज, लव विथ नॉलेज, दैट इज व्हाट फिलॉसफी, लव विथ नॉलेज, ज्ञान से प्यार, यही फिलॉसफी भी है, यही दर्शन है। हम लोग मैं आपको बता दूं कि इस एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक एक बुक्स को कम से कम 5-5 बार पढ़ा है। तो ये नहीं कि आप एक बुक्स को एक ही बार पढ़ेंगे, आप रिवीजन का यही एक स्टाइल है, रिवीजन का ये स्टाइल नहीं है कि आप एक बार पढ़ रहे हैं तो मार्क कर दे रहे हैं उसमें और वो चीज़ पढ़ रहे हैं। आप एक ही बुक्स को बार बार पढ़िए, भले वो बुक कितनी भी मोटी हो, अगर आपको इंटरेस्ट है। और एमए में तो ऐसा सिलेबस है कि उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो एमए में आप बोर हो जाएंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, कि आप उस विषय में कितना रुचि आपका है, उस विषय में कितना आप रम जाते हैं, कितना उसके साथ एक हो जाते हैं। इंटरेस्ट इज ओनली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और उसमें आपका कितनी पसंद है इससे पता चल जाएगा। बाकी ई स्टैंड्स फॉर आई, इंटरेस्ट स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन आपका जो ये पूरे बातें हैं ना, ये बहुत ही हार्ड कोर स्टूडेंट को समझ में आएगा, मीन्स एक्सट्रीमली लविंग पर्सन टुवर्ड्स द फिलॉसफी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो लव है, ये क्या अगर थोड़ा कम हो, हाँ, फिर कैसे इंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन, वो पैटर्न क्या है, इजी वे में, थोड़ा इजी वे में, थोड़ा सा। देखिए, इजी वे में तो मैं बताना चाहूँगा कि आप हर टॉपिक्स के लिए, अगर इंटरेस्ट आपका नहीं है, आप केवल क्रैक करना चाहते हैं, मतलब आना चाहते हैं, मतलब इंटरेस्ट है, अगर आप उस इंट्रेंस को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको, आपके अंदर है कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप इंडियन फिलॉसफी के लिए एक बुक लीजिए पहले, वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए लीजिए, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी के लिए एक बुक उठाइए, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए एक बुक उठाइए, और सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड लॉजिक, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका एक इंडियन फिलॉसफी हो गया, ये पिलर्स हैं, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड लॉजिक, दीज आर द 6 पिलर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो ठीक से इसमें कहीं ऐड नहीं होगा। यस यस, नीरज जी ने जैसे मुझे करेक्ट किया, क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन में फिलॉसफी से ही हैं। तो 7 पिलर्स इथिक्स, तो मैं फिर से बता देता हूँ, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, लॉजिक एंड इथिक्स। और इथिक्स में पाश्चात्य भी आ जाएगा और हम लोग के भारतीय इथिक्स भी आ जाएंगे। तो ये मिला के आपके 8 पिलर्स हो गए, 8 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 8 पिलर्स में से आपको हर एक टॉपिक पे एक बुक उठानी है, पहले एक बुक उठानी है और उसको अच्छे से पढ़ना है, और फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे इंडियन फिलॉसफी के लिए मैंने दत्ता चटर्जी की बुक इस्तेमाल की थी, उसके बाद मैं सीडी शर्मा पे गया और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, जिसका आंसर गलत हो जाता था, फिर मैं वो टॉपिक रिवाइज करता था जाके। और वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए बुक आपको वाई मसीह एक है, वाई मसीह थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो आप फ्रैंक थिल्ली से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रैंक थिल्ली थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में दी हुई है बुक, तो आप फ्रैंक थिल्ली से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाइए, और जो आपको ना समझ में आए फिर आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, फॉलो करते रहिए रिपीट एंड रिपीट। और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए काफ़ी बुक्स आ जाएंगी, जैसे 100 ईयर्स ऑफ फिलॉसफी है, और कॉपलेस्टन की एक बुक है कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, और कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी के लिए एक बुक काफ़ी है, बीके लाल की बुक मैंने फॉलो की और कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी मेरा एकदम क्लियर हो गया। और सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए आप ओपी गौबा की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो चीज़ों के लिए केवल एक एक बुक्स इस्तेमाल होंगी। और लॉजिक के लिए इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय हर्ली, और एक सिम्बॉलिक लॉजिक है बाय कॉपी एंड कोहेन, और वेस्टर्न इथिक्स के लिए आप
वेस्टर्न इथिक्स के लिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ग्रीन बुक है, हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अ मैनुअल ऑफ इथिक्स बाय जडुनाथ सिन्हा। और इंडियन इथिक्स के लिए आप नेट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन इथिक्स कवर करना आसान है और उसके लिए आप बुक्स ले सकते हैं, बट मैंने उसके लिए कोई बुक्स नहीं ली थी, उसके लिए मैंने केवल इंसाइक्लोपीडियाज, विकिपीडियाज और इंटरनेट फॉलो किया था। थैंक यू सो मच सर, ये तो आपने पूरा क्रीम चीज़ दे दिया बच्चों को, क्रीम जिसको बोलते हैं ना कि मतलब अभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये उन्होंने बोला है जो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, ये उन्होंने नहीं बोला है जो कहीं भी फैल रहा है यूट्यूब पे, हाँ हम बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो बोला वो सत्य बोला। फिलॉसफी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज फिलॉसफी, ट्रूथ इज फिलॉसफी। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग और ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि पढ़ाई की बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बाकी पढ़ाई की चीज़ें जो हैं वो अभी पैटर्न बदलाव हुआ है, तो शायद अभी आप अपने टाइम पे जो दिए वो थोड़ा सा डिफरेंट था और अभी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये मैं बता दूंगा आपको, आपको भरोसा है मेरे पे? जी जी जरूर। तो ये मैं बता दूंगा आपको कि CUT PG में क्या बदलाव आ रहा है, और उसमें 25 क्वेश्चन जो अलग से आ रहा है वो क्या होगा, और 75 क्वेश्चन जो आपका डोमेन है वो क्या होगा, ये मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें अंडर द गाइडेंस ऑफ राजीव लोचन त्रिपाठी जी। ओके ओके, हाँ रेडी, या ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप बाय द वे आजकल जो समय है सोशल मीडिया का, क्योंकि आपने बोला कि आपने पढ़ाई में सोशल मीडिया का भी यूज अच्छा खासा करा है, सोशल मीडिया को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बेहतर तरीके से? देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना, लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज के बारे, किसी भी इंपॉर्टेंट काम को आपको करना है तो आप सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया आपको एक्सपोजर देता है डिफरेंट थॉट्स से, और फिलॉसफी भी वही है, वो भी आपको डिफरेंट विचारों से एक्सपोज करता है। तो सोशल मीडिया आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको जो भी विचार वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, उस पर आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, उससे आप जब अपनी टिप्पणी करेंगे और फिर जब अपनी बुक्स पढ़ने जाएंगे तो आपका माइंड ओपन होके जाएगा, तो आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी। तो सोशल मीडिया के यही हेल्प है कि वो दायरों को खोलता है आपके, वो कई विचारों को प्रस्तुत करता है आपके सामने कि अरे वो लड़का ऐसे सोच रहा है, वो फील्ड से ऐसे सोच रहा है, उसकी वो पॉलिटिकल व्यू है, वो पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल व्यू है, तो आपको किसी के साइड नहीं लेनी है। फिलॉसफी हमको यही सिखाता है कि आप सब बायस नहीं होना है, आपको एज बैलेंस्ड होना है, बैलेंस्ड होना है, और उसके साथ आपको चीज़ों को देखना है बिना किसी अपने पर्सपेक्टिव से। मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग है यार, सोशल मीडिया का नाम लेते ही लोग बोलते हैं यार उसका ऐसे यूज करो, यहाँ पे तो कोई निगेटिव बात ही नहीं हुआ, आप तो बोल रहे हैं सोशल मीडिया का बस यूज करो चाप के, हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव थॉट्स जो होता है ना वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी फील्ड हो वो उसका सही यूज ही बताता है। तो आपने जैसे होता है ना जब हम कोई चीज़ लड़ाई या झगड़ा या गंदा वर्ड बोले, जैसे ही बोलते हैं हमारा दिमाग उस चीज़ को सोचता है, और जब उस शब्द को बोले ही ना तो इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा मैं भी मेरे को भी फिलॉसफी निकल रही है, जैसे ये बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, तो बुरा जो देखन मैं चला अगर बुरा होता ही नहीं, अच्छा तो देखन मैं चला और अच्छा मिलिया बहुत सारे लोग, तो ये अलग फिलॉसफी हो जाती है कि यहाँ पे तो सब अच्छा अच्छा ही है, बुरा शब्द नहीं आया होता तो बुराइयाँ शायद होती ही नहीं, हो सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट में कहीं हम लोग किसी कॉस्मस में सोच सकते हैं। यस यस हाँ जरूर, बहुत अच्छा है, आगे की टॉक कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आपके हॉबीज जानना चाहेंगे। हॉबीज में देखिए मेरे बहुत सारी हॉबीज हैं, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग हॉबीज हैं, मेरी हॉबीज हैं मुझे पता है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना एक हॉबीज है, और मुझे मूवीज देखना काफी पसंद है, और हॉलीवुड मूवीज में काफी अलग अलग जेनरास की हॉलीवुड मूवीज देखता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने लॉकडाउन में मूवीज ही देखी और उससे मेरा दायरा बढ़ा, तो मूवीज और सोशल मीडिया तो बहुत पॉजिटिव चीज है, उससे आपका दायरा खुलता है, आपको विचार अलग अलग विचार आपको देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके से जो बिहेव कर रहा है पर्सन वो देखने को मिलता है, तो ये मूवीज और सोशल मीडिया तो एक आपको एज देगा प्रिपरेशन में इंस्टेड ऑफ आपको पीछे करने में। और इन्होंने जो मूवीज की बात करी, देखो होता क्या है ना जब कोई क्योंकि डायरेक्टर है वो, और वो डायरेक्टर अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी झुंड है राइटर का, स्क्रिप्ट राइटर का, डायरेक्शन का, सजेशंस के लिए प्रोफेसर एक्सपर्ट होते हैं, तो जो मूवी 3 घंटे की है ना वो 3 घंटे 300 लोग के माइंड का 3 महीने 3 साल का मेहनत होता है। जी, जी। अगर
आप ये सोचो कि डायरेक्टली 3 घंटे की मूवी से पूरा वो दिमाग अगर देख लेते हो, क्योंकि वो पूरा दिमाग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मूवीज पसंद करना चाहिए। कई आजकल तो बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन आपने जो जेनर की बात करी, यानी जो जो मूवीज की आजकल जनरेशन बनी हुई है, नहीं नहीं जेनरास का मेरा मतलब था कि अलग अलग तरह की मूवी, जैसे अच्छा, कॉमेडी हो गई, रोमांस हो गया, हर देखो सब हॉरर हो गया। तो मेरा ये है कि आप हर मूवीज को देखिए, मतलब हर मूवीज को देखने से आपका माइंड जो है ना ओपन होगा। और फिलोसफी इज ऑल अबाउट बीइंग ओपन, खुलाओ, मतलब आपके विचारों की जो रस्सी बनी हुई है वो तोड़ेगा फिलोसफी, यही काम करता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, जब ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे जो पहले से रस्सी के विचार जो बंधे हुए थे मेरे अंदर, मेरे माइंड में कंठस्थ थे कि यही होता है, ऐसी ही चीज़ें होती है, और उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, तो उसको वो फिलोसफी ने पूरे तरीके से तोड़ दिया। और अब मैं विचार को क्या है, मैं एक लाइट तरीके से देखता हूँ, मतलब उसमें भार नहीं होता है। फिलॉसफी यही करता है, फिलॉसफी आपको हर विचार को एज अ विचार देखने को कहता है, उसको ना तो आपको पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, आपको न्यूट्रली ऑब्जर्व करना है। कहने का सेंस ये है कि फाइनली आप जो आजकल डिप्रेशन के केसेस हैं और एंजाइटी फील करते हो तो वो बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से। अच्छा, और आपके यहाँ पे BHU के अंदर कैंपस में हो, तो आपकी पसंद सबसे बेहतर किस प्लेस के लिए है, क्या ये प्लेस है या कोई और है? जी कैंपस में मेरी पसंद तो पहले VT ही होगी, क्योंकि VT में आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको खाने को भी मिल जाता है, आपको दर्शन करने को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि हर प्लेस ही वो है, क्योंकि नेचुरल सराउंडिंग्स इतनी अच्छी है ना कि आपको लगेगा कि आप एकदम हल्के हो गए, और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करने को भी मिल रहा है, आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, हेल्थ की फैसिलिटीज फ्री में है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो एक तरीके से पूरा एक कॉम्बो है यूनिवर्सिटी लाइफ। ये प्लेस लाइब्रेरी के पास ही हम लोग इसको शूट कर रहे हैं अभी, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ से अक्सर जब कोई अच्छा बन जाता है, यानी कोई टॉप कर जाता है या कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, किसी टीचिंग प्रोफेशन में चला जाता है, तो अक्सर वो जो अपना पहला क्रेडिट देता है वो सेंट्रल लाइब्रेरी और सेकेंड BHU VT। तो ये दोनों ही BHU के सबसे शानदार इवन हर्ट हैं, अगर दो दिल होते तो शायद यही दोनों होते। और मैं बता दूं इस वीडियो के कमिंग पार्ट भी आएंगे, क्योंकि राजीव जी से जो बातें हो रही हैं ये बहुत लंबी चलने वाली हैं, तो एक पार्ट में हम लोग इसको पूरा समेट नहीं पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि BHU पाठशाला पे हम लोग फिलॉसफी यानी CUT PG डोमेन विथ CUT फर्स्ट पार्ट जो आपका 25 क्वेश्चंस का है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग 15 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और BHU पाठशाला का एक ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको भी आप लोग डाउनलोड करें और वहाँ से आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है? तो बाकी हम लोग चीज़ें, कितना मिनट बचा हुआ है हमारे पास, अभी 2 मिनट्स हमारे पास और है, तो मैं चाहूँगा आप फाइनली यू हैव 50 सेकेंड बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा ना कि प्रिपरेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइफ का पार्ट है प्रिपरेशन। आपको खुश रहना जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए। आप प्रिपरेशन कोई भी चीज़ आप करें, आपके अंदर पीस होना चाहिए। प्रिपरेशन तो चलता रहेगा, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? प्रिपरेशन इसीलिए ना आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो, आप कुछ अच्छा करें। तो प्रिपरेशन को ही अगर आप स्ट्रेस बना दोगे तो फिर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो चीज़ नहीं पा पाओगे। जो आपके अंदर जो इच्छा है वो स्ट्रेस फ्री होने की है, वो पीस की है, यही है। यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है वो ऑन द वे है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी 2024 में इस डेट से शुरू होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम योर बर्थ, और अब उसको आप हंस के या उसको रो के कैसे गुजारना, यू हैव टू डिसाइड। सो गाइज, प्लीज आप लोग हर चीज को इस वीडियो को रिमाइंड लगा के, रिपीट लगा के लूप में देखना, क्योंकि जो बातें बोली है वो लाइफ लिविंग की बात भी है। वो एक्चुअली आपको ये भी सिखाएगा कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया और प्रेजेंट टाइम में डिप्रेशन और एंजाइटी और बहुत सारे टेंशन से कैसे दूर हो सकते हो। बाकी तो बातें हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि UG यहीं से करा आपने, PG यहीं से कर रहे हो, और हम लोग कमिंग डेज में आपको PhD में या रिसर्च में कहीं देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।